मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम के तहत विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि खबर भिंड जिले से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम और विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भिंड में 397 करोड़ 63 लाख रुपये के 125 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, जन सेवा अभियान में 3,77,000 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण किए हैं। तो मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंच से भिंड जिले में मेडिकल कॉलेज एवं भिंड नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा दिलाए जाने का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास और जनता की भलाई के लिए साथ चलने का संकल्प भी दिलाया। साथ ही उन्होंने विकास यात्रा के गीत का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रहार करते हुए कहा कि कमलनाथ प्रदेश की जनता के विकास के लिए धन की कमी बताते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जनता के विकास के लिए पैसे की कोई भी कमी नहीं है। कमलनाथ ने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, अब मैंने फिर से शुरू कर दी है और अब ये यात्रा ट्रेन से तो होगी ही, लेकिन अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। बेटी को छोड़ो, कमलनाथ ने तो बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, तीर्थ दर्शन यात्रा ही बंद कर दी। अब सुनो मेरे बुजुर्गो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा फिर शुरू, और जो शुरू हो रही है वो रेल से तो होगी, लेकिन अब इस बार तो हवाई जहाज से यात्रा करवाने ले जाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं हवाई जहाज से? अरे हवाई जहाज तो बड़े बड़े आदमियों का है, एक बार मेरे बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो यार। और ये मजाक मुझे नहीं कर, मार्च के महीने से हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा शुरू होगी। मेरे बुजुर्ग जाएंगे, तीर्थ दर्शन करेंगे और वापस लौट के आएंगे। कई बुजुर्गों ने कहा कि बेटा रोटी वोटी राशन वासन तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले तीर्थ दर्शन करवा दे।